एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसमें से कौन सी ज्वेलरी पसंद आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला ज्वेलरी सेट है वो जो मैंने पहना है यही है, और इसे मैंने मीशो से लिया था। ये है एल्यूर फैंसी वुमेन ज्वेलरी सेट, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। मैं इसे निकाल के भी दिखा देती हूँ। इसमें आपको एक फ्लावर में कुंदन का वर्क मिल जाता है, नीचे दो तीन घुंघरू मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको लटकन वाला मिल जाता है हुक। तो इससे काफ़ी सुंदर सा इसका लुक आया है, और लाइट वेट है तो पहनने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और इसके नेकलेस में आप देख सकते हो सेम पैटर्न है, बस यहाँ पर लाइन जो है वो ऐड कर दिया गया है, तो इसके वजह से ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये भी सेम क्वालिटी है, और आप इसे साड़ी पे सूट पे किसी पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो इसका MRP है 104 रुपीज़, और डिलीवरी आपको मिल जाता है इसमें 57 रुपीज़ ऐड हो जाते हैं। तो डिस्काउंट करके ये मुझे 147 रुपीज़ में मिला। नेक्स्ट है मेरे पास ये पर्ल नेकलेस, और इसका नाम है ट्रेंडी गोल्ड एंड वाइट पर्ल हैंडीक्राफ्ट नेकलेस। तो ये जो है ये पूरा गोल्डन चेन में आपका बना हुआ है, जिसके अंदर पर्ल जो है वो फंसा हुआ है, और काफ़ी यहाँ पे बड़े बीट्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे छोटे और यहाँ पे इससे भी छोटे। इसे पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आता है, तो कुछ इस तरीके से लुक आएगा। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी लाइट वेट है, और आप वेस्टर्न में भी इसे पहन सकते हो और इंडियन में भी, और इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, उतनी भी अच्छी नहीं उतनी भी बुरी नहीं। इसका MRP है 133 रुपीज़, और ये मुझे मिला था 25 रुपये ऑफ करके 105 रुपये में। नेक्स्ट मैंने लिया है लॉन्ग इयर रिंग्स कॉम्बो फॉर गर्ल्स वुमेन इयर रिंग्स एंड स्टड्स, जो कि है, और ये इसी शायद डिब्बे में आया था, और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे देख सकते हो, पहले मैं ये दिखा देती हूँ। तो ये आपको सिल्वर कलर में मिल जाता है, और बहुत ही अच्छी इसकी शाइन है, और काफ़ी सुंदर लगता है पहनने के बाद। तो ये जो इयर रिंग है ये है राइनस्टोन्स इयर रिंग, और आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में भी है। और इसमें आपको 1 2 3 4 5 जो है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं लाइन, और ऊपर से यहाँ पे पेस्ट किया गया है, नीचे से बिल्कुल लाइन जाते हुए यहाँ पे छोटे से बड़ा तक में आपको वर्क दिखाया गया है। और ये बहुत ही बहुत सुंदर लगता है, जब लाइट इस पर पड़ती है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे मैं पहन के दिखा देती हूँ कि इसका लुक ओवरऑल कैसा था, और क्वालिटी इसकी बहुत सही है, और ये बिल्कुल लाइट वेट है, आपके कान पर बिल्कुल भी भार नहीं पड़ेगा। और पहनने के बाद ये किसी भी ड्रेस पे, इंडियन हो वेस्टर्न हो, सब पे ये काफ़ी अच्छा जस्ट। तो आप मुझे बताना सिल्वर अच्छा लग रहा है या गोल्डन। तो दोनों ही लाइट वेट हैं और सेम क्वालिटी है, बस कलर में डिफरेंस है। तो आप दोनों ही ले सकते हो, आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे ये मिल रहा है, और इसका MRP है 140 रुपये, और ये मुझे डिस्काउंट के बाद मिला है 121 रुपये में। नेक्स्ट मैंने लिया है मैड ओवर फैशन लॉन्ग कुंदन नेकलेस सेट। तो मुझे एक लॉन्ग नेकलेस चाहिए था और ऑक्सीडाइज्ड, तो ये रहा वो लॉन्ग नेकलेस। मेरे पास था लॉन्ग नेकलेस, लेकिन वो बहुत ही पतला पतला था, तो मुझे थोड़ा हेवी में चाहिए था। तो यहाँ बीच में माइक आ रहा है, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से है, और ये आपके पूरे गले को भर देगा अच्छे से। तो अभी जैसा कि काफ़ी सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो आप उसमें ये ज्वेलरी कैरी कर सकते हो, सूट पे, साड़ी पे, लहंगे पे। लहंगे पे काफ़ी अच्छा जाएगा ये, अगर नवरात्रि लुक होगा तो उस पर ये काफ़ी अच्छा जाएगा। और मैं साथ पहन के नहीं दिखा रही हूँ दोनों इयर रिंग और नेकलेस को, क्योंकि दोनों ही बड़ा है साइज़ में, तो मैं दोनों एक साथ कभी पहनूंगी भी नहीं। और इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा दूँ, तो ये बिल्कुल आता है आपके मेटल में, और यहाँ पे घुंघरू लगे हैं डिज़ाइन में आपको, ये कुंदन वर्क जो मैंने पहला वाला सेट था उसी टाइप से है ये भी। और इसका इयरिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इसके इयरिंग में सेम डिज़ाइन है लेकिन काफ़ी बड़े हैं, तो मैं इसे नेकलेस के साथ तो नहीं पहनूंगी, और इसे ऐसे में पहन कर दिखा देती हूँ। तो ये अपने आप में ही काफ़ी है, इसको इसके साथ आपको नेकलेस पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो नेकलेस है वो अपने आप में काफ़ी है, उसके साथ आपको इयरिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही पहनने में काफ़ी हैवी हो जाएगा लुक। और ये थोड़ा सा हैवी है, आपके कान को खींचता है, लेकिन लुक इसका काफ़ी सुंदर आ रहा है, आप देख सकते हो। इसका MRP 184 रुपीज़, और ये मुझे मिला डिस्काउंट के बाद 170 रुपये में। तो 170 रुपये में मुझे इयरिंग और नेकलेस दोनों मिला है, तो काफ़ी अच्छी डील है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। बस हैवी है थोड़ा, तो आप कोई भी जो
बैंडेज होता है वो लगा सकते हो। नेक्स्ट सेट है मेरे पास मार्स फैशन ज्वेलरी सेट, और ये भी है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो इसका जो क्वालिटी है ये काफ़ी लाइट वेट है, और ये भी इसमें धागे में आएगा तो पहनने में काफ़ी इजी रहता है। और ये रहा इसका काम, अच्छे से भर देता है और इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। मैंने शायद अभी तक मेकअप में इसे 2-3 बार पहना भी है। एक ब्लू साड़ी में पहना था, एक मैंने इसी जो मैंने गाउन लिया था इस पर पहना था। साथ में आपको मिल जाते हैं इयररिंग जो कि सेम डिज़ाइन के हैं, ₹235, और टोटल ऑफ के बाद आपको मिल जाता है ये ₹185 में। तो ये नेक पीस भी काफ़ी अच्छा है, आप इसे। नेक्स्ट मेरे पास अट्रैक्टिव इयररिंग, इसका नाम है, और ये है मांझा और पतंग के डिज़ाइन में। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैंने इसे नेट पे देखा तो ही मुझे पसंद आ गया था, और मैंने सोचा था कि इसे मैं लूँगी ज़रूर। और इसे मैंने अपने बर्थडे पे पहना था सेम गाउन पे, तो इसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ये ईयर कफ साथ में आ जाता है, ये पतंग एज ए ईयर कफ है, और ये जो मांझा है आपका, आप क्या बोलते हैं इसको, ये इस साइड में आपका दिया हुआ है हुक, इसे पहनेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपने इसे फिट कर दिया, और इसके बाद MRP है ₹164, जो कि आपको डिस्काउंट के बाद मुझे मिला था ये ₹146 में, और उस टाइम ये 200 या 250 ऐसा ही चल रहा था रेट, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग था तो मैंने उसे टाइम लिया था। लेकिन अब इसका रेट काफ़ी कम हो चुका है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है वेम्बले कॉम्बो 6 पेयर एलिगेंट गोल्ड प्लेटेड क्रिस्टल बटरफ्लाई ड्रिंक्स कॉम्बो, और इसमें आपको 6 पीस मिल जाते हैं। तो सारा मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, क्यों, क्योंकि खो गया एक दो, और जो जो है मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। पहला तो ये है जिसकी क्वालिटी बहुत ही लाइट वेट है, और ये है बटरफ्लाई के शेप में। मेरा काफ़ी क्यूट सा छोटा सा ही है, और मुझे बटरफ्लाई डिज़ाइन के ब्रेसलेट हो, इयररिंग हो, और नेकलेस हो, कुछ भी है वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसे लेते रहती हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी लाइट वेट है, आप इसे सब चीज़ पे पहन सकते हो, इंडियन वेस्टर्न हर चीज़ पे। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन इसे मिल रहा है तो अब ये मैं पहन नहीं सकती हूँ। इसमें था सेम बटरफ्लाई टॉप्स, और ये भी पहनने के बाद अच्छा लगता है। फोर्थ इसमें था पर्ल टॉप्स, लास्ट जो था उसमें था ये हार्ट शेप टॉप्स। तो इस टाइप से आपको 6 मिल जाते हैं इयररिंग और टॉप्स, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। MRP ₹202, और डिस्काउंट के बाद ये मुझे ₹171 में मिला था। नेक्स्ट जो पीस है वो है मेरे पास भूमि 09 गोल्ड प्लेटेड डायमंड ज्वेलरी सेट फॉर वुमेन गर्ल्स डेलीवेयर, लेकिन डेलीवेयर आपको इसको नहीं करना है। तो वो ये सेट है मेरे पास, वो इस टाइप के डिब्बे में आया था, और ये मैंने आजकल देखा है लोगों को पहनते हुए, तो मुझे काफ़ी क्यूट लगा है ये। तो ये चेन आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, बहुत बहुत सुंदर है, लाइट वेट है, इसके साथ साथ इतना छोटा सा इसमें वर्क दिया है, लेकिन पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है। और ये रोज़ गोल्ड कलर में है, ये पीछे से थोड़ा सा इसका चेंज है, वो लंबा है, तो उसे मैं बाद में सेट करूँगी, लेकिन पहनूँगी मैं इसी तरीके से इसे शॉर्ट करके। और ये भी आप ट्राई कर सकते हो। इसका MRP है ₹57, डिलीवरी है ₹62, और ये मुझे टोटल मिला था डिस्काउंट के बाद ₹112 में। तो ₹112 में मैंने ये चेन लिया है, और अभी तक मैंने इसे पहना भी नहीं है, तो इसी वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ज्वेलरी अभी बाकी हैं, तो अगर इसी वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी बहुत ही लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और यही ज्वेलरी हॉल ही मैं शेयर करूँगी। तो आप इसमें से बताना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा है। बाकी सारे ज्वेलरी के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दूंगी, आपको कोड भी दूंगी, MRP डिस्काउंट सब कुछ मैं लिख के दूंगी, तो काफ़ी मैं इसमें वर्क करके आपको दूंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ ये कहाँ से मिलेगा और इसका लिंक कहाँ है, सब कुछ मैं आपको अच्छे से परोस के ही दूंगी, ताकि आपको सिर्फ जाके उस लिंक पर क्लिक करना है और आपके कार्ट में वो आ जाए। तो इस तरीके से मैं वीडियो इसको एडिट करूँगी, ताकि आपके लिए भी इजी रहे। और आप मुझे बताना कि आपको कौन सी ज्वेलरी सबसे अच्छी लग रही है, इसके अलावा मेरा वर्क कैसा लग रहा है, और नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए, मतलब ज्वेलरी हॉल के बाद, वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।